अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारिया खान और मैं हूँ ब्रांड एम्बेसडर Ammanat.com की। तो आज जो प्रोजेक्ट मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो कि एक वेल नोन प्रोजेक्ट है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो की डिटेल्स इसके इंट्रोडक्शन में जाऊँ, मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें। अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंट्रोडक्शन से। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का सबसे पहला स्मार्ट सिटी है और दुनिया का 23rd स्मार्ट सिटी है। इसको स्मार्ट सिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी वहाँ के रेजिडेंट्स को, वो सब कुछ IoT बेस्ड होगा। जैसे कि उनका वाटर का सिस्टम है, उनका इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और इस तरह के जितने भी वहाँ पर सिस्टम्स हैं वो सब के सब IoT बेस्ड हैं, इसीलिए इसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है। और अब कैपिटल स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान के बारे में बात करते हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी, जैसे कि मैंने बताया, ये एक बहुत ही बड़े रकबे पर मौजूद है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको डिस्ट्रिक्ट्स और उसी के सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो है पहला इनका डिस्ट्रिक्ट है पैंडा डिस्ट्रिक्ट के नाम से, दूसरा है एविएशन डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट, लेक व्यू टेरेस और हिल व्यू हाइट्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद इनके रेजिडेंशियल यूनिट्स, कमर्शियल यूनिट्स और उसके अलावा वन कैपिटल रेजिडेंसेस, स्मार्ट विलास और विलास के नाम से, द विलास के नाम से विलास मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं। और उसकी डिटेल्स आगे मैं आपको बताऊंगी कि उसके साइजेस क्या हैं और उनकी डिफरेंट प्राइजेस वगैरह क्या हैं। और अब बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन के बारे में। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक बेहतरीन लोकेशन पे मौजूद है। ये मोटरवे के ऊपर मौजूद है और इसके साथ ही सीपैक रोड भी है। इसके अलावा इनका एक डेडिकेटेड मोटरवे इंटरचेंज भी अप्रूव हो चुका है और एयरपोर्ट यहाँ से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। और इसके अलावा ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। और अब बात करते हैं उन फैसिलिटीज़ के बारे में जो कैपिटल स्मार्ट सिटी अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये एक बेहतरीन लोकेशन पे मौजूद है और उसके अलावा यहाँ पर 30% जो है ग्रीन लैंड मौजूद है और इनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी यहाँ पर सर्विसेज है, वो सारी IoT बेस्ड हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी उसके बारे में अभी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। यहाँ पर मौजूद होगा क्रिस्टल लेक और फ्लोटिंग विलेज। उसके अलावा इनकी सेपरेट गेट एंट्रीज हैं, यहाँ पर सिनेमाज मौजूद होंगे, यहाँ पर लोड शेयरिंग फ्री एनवायरनमेंट है और इसके अलावा 5-स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स होंगे, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्सेस और इसके अलावा CCTV विद फेशियल एंड ऑब्जेक्ट रिकग्निशन कैमराज यहाँ पे मौजूद होंगे। उसके अलावा वहाँ पे लोगों की सर्विस के लिए उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स प्रोवाइड की जाएंगी। वहाँ पर हॉस्पिटल्स होंगे, वेयर हाउसेज होंगे और वाटर और सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट होगा, थीम पार्क्स और बर्ड पार्क्स होंगे। उसके अलावा बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेपरेट स्टेशंस वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे, फाइनेंशियल स्केयर होंगे और उसके अलावा हॉलीडे पार्क भी वहाँ पर मौजूद होगा। तो बेसिकली तमाम वो सहूलियात जो एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक अच्छे सिटी के लिए जो कि फुली डेवलप्ड हो, वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और अब बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हबीब रफीक लिमिटेड उनका प्रोजेक्ट है और हबीब रफीक काफ़ी वेल नोन है क्योंकि वो 60 ईयर्स से ऑलरेडी इस फील्ड में है। उन्होंने पहले भी बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी डिलीवर किया है। और उसके बाद जो है FTH एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइडिया के साथ आए कि वो उनको एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए। तो ये आइडिया जो है वो FTH का है। और उसके अलावा जो इस इंटायर प्रोजेक्ट के जो मास्टर प्लानर्स हैं सरबाना जरोंग के नाम से। और अब बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के NOC के बारे में। तो NOC जो है इनको ऑलरेडी मिल चुका है, कैपिटल स्मार्ट सिटी RDA के अंडर आता है। और उसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आप RDA की वेबसाइट पर जाकर अंडर द NOC सेक्शन वो भी आप चेक कर सकते हैं। और अब कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्राइस प्लान के बारे में बात करते हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो बुकिंग है वो 10% से स्टार्ट हो जाती है और उसके अलावा इनके तमाम जो भी यहाँ पर प्लॉट्स मौजूद हैं उनके सेपरेट डिफरेंट प्राइजेस हैं। तो उसके बारे में डिटेल्स हासिल करने के लिए जो नंबर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप जब चाहे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में इसका पेमेंट प्लान और इसकी जो भी इंस्टॉलमेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करने के लिए, और इसके अलावा फर्दर अगर आप डिस्काउंट्स हासिल करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे Ammanat.com पर जब चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में। तो जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग लोकेशन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो काम है वो बहुत ही फास्ट पेस पर जारी है। यहाँ पर इनके ओवरसीज वन और एग्जीक्यूटिव वन जो ब्लॉक्स हैं उस वो डेवलप हो चुके हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है और वहाँ पर वो बैलेटेड प्लॉट्स मौजूद हैं। यहाँ पर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं। उसके अलावा वहाँ पर ओवरसीज प्राइम के ब्लॉक्स मौजूद हैं जहाँ पर फ्रेश बुकिंग इस टाइम पर अवेलेबल है, 7 मरला, 10 मरला और 1 और 2 कनाल के प्लॉट्स की। उसके अलावा यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं जहाँ पर उनके साइजेस हैं 4, 6 और 8 मरला। और यहाँ पर विलास भी मौजूद हैं जो कि डिफरेंट साइजेस में हैं, जो जैसे कि 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल। उसके अलावा यहाँ हारमनी पार्क ब्लॉक भी मौजूद है जहाँ पर 3.5 मरला के प्लॉट्स मौजूद हैं और शेयर्ड विलास यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मौजूद हैं 3.5 से लेके 5 मरला के साइजेस में। तो यहाँ पर बेसिकली डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है। इनका जो ओवरसीज़ वन और एग्जीक्यूटिव वन के जो ब्लॉक्स
है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उस पर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है और वो उनके बैलेटेड प्लॉट्स हैं। उसके अलावा यहाँ ओवरसीज़ 2 कैपिटल हिल विलास, ओवरसीज़ प्राइम कमर्शियल बिल्डिंग प्लस हॉस्पिटल और स्कूल्स, यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का काम जारी है और बहुत ही आने वाले सालों में बहुत ही जल्द ही अपने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। और अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की बुकिंग प्रोसीजर की तरफ आते हुए, बुकिंग प्रोसीजर इनका बहुत सिंपल है। बुकिंग के लिए चाहिए होंगी मेन एप्लीकेंट की 2 CNIC कॉपीज़ और 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, और उसके अलावा जो नॉमिनी है उनकी 2 CNIC कॉपीज़ और 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स। और अब इस वीडियो के एंड की तरफ आते हुए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। उसके अलावा फर्दर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो, आप जब चाहे हमसे amanat.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थ्रू कॉमेंट्स आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप वहाँ पर जब चाहे कॉल करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी के और भी कई वीडियोज़ हैं जो हमारे इसी चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको भी देख के आप देख सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको लगा हो कि इस वीडियो से कोई और भी फ़ायदा उठा सकता है, तो इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली दफ़ा तक के लिए मज़ीद इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह हासिल करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। amanat.com पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।